प्रिय बंधुओं, हम तीर्थ यात्रा इत्यादि क्यों करते हैं और इसका क्या कारण है? जैसे शास्त्रों में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विविश्यति, कि हम अपने जीवन में कि कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जो भी पाप कर्म इत्यादि करते हैं उनके प्रायश्चित के लिए, उनसे मुक्ति के लिए हम तीर्थ यात्रा इत्यादि, गंगा से स्नान इत्यादि, शिवधाम इत्यादि की यात्रा करते हैं। और जो हम ऐसे स्थानों में आकर जो पाप कर्म कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार के भी पाप कर्म करते हैं, उनका प्रायश्चित हमें हम कहीं पर भी नहीं कर सकते, वो वज्रलेप के समान हो जाते हैं। जैसे व्यास ऋषि जी ने कहा है, जब व्यास ऋषि जी ने 18 पुराणों की रचना की तब भी उनका मन अशांत रहा, फिर उन्होंने 18 पुराणों का जो सार है दो वचनों में ही कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं प्रोपकाराय पुण्याय पापाय च परिपीडनम्। उन्होंने 18 पुराणों का जो सार है इन्हीं दो शब्दों में कहा कि जो हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, और जो हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, चाहे हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, अपने देह के द्वारा बुरा करते हैं, इसके बराबर कोई पाप नहीं है।